नमस्कार दोस्तों, दीपावली का शुभ त्योहार आने ही वाला है। चंद बातें कर लें दीपावली और स्वास्थ्य के बारे में। क्या आपको याद है पिछले वर्ष दीपावली और उसके बाद के दिनों में क्या हुआ था? आइए एक नजर डालते हैं। वो 1197 माइक्रोन है। गैस चैम्बर बन चुकी दिल्ली में सांस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और आम लोग इस जहर को सांस के साथ अंदर लेने को मजबूर हैं। पीएम 2.5 का लेवल 999 के भी पार जा चुका है। सड़कों से कूड़ा साफ किया जा सकता है, हवा भी कुछ दिनों में साफ हो सकती है, लेकिन हमारे फेफड़े के अंदर जाकर जो जहरीले पदार्थ जमा हो जाते हैं उन्हें किसी भी तरीके से साफ नहीं किया जा सकता और हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। दोस्तों, क्या यही तरीका है दीपावली की खुशियां मनाने का कि एक तरफ तो हम खुशियां मनाएं, दूसरी तरफ हम दावत दें बीमारियों को और अपनी जीवन रेखा को कम करें? क्या हम आने वाले दीपावली को एक स्वस्थ दीपावली में नहीं बदल सकते? दोस्तों, ये समय है आप और हम मिलके कुछ प्रण करें। नंबर एक, हम प्रण करें अब की बार पटाखों को इस्तेमाल करना तो दूर, हम पटाखों के बारे में बात भी नहीं करेंगे, यानी कि से नो टू क्रैकर्स। केवल थ्योरेटिकल रूप में नहीं, अब की बार हम वास्तव में एक पटाखा रहित दीपावली मना के दिखाएंगे। नंबर दो, हम अपनी सजावट इत्यादि के लिए ग्रीन चीजों जैसे फूल पत्ती इनका यूज करेंगे, जिससे प्रदूषण कम होगा। नंबर तीन, हम ये प्रण करें कि अपने घर के आसपास, अपने एरिया, अपनी सड़कों पे किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होने देंगे, उनको स्वच्छ रखेंगे, यानी कि स्वच्छ दीपावली। और नंबर चार, जो हमारे सड़कों पे कूड़ा इत्यादि जमा होता है, इसको अगले दिन जलाया जाता है और ये छोटी छोटी आगें पूरे शहर में, पूरे देश के अंदर बहुत सारा धुआं निकालती है, से प्रदूषण होता है, इसको हम हरगिज नहीं होने देंगे। अगर हम सब देशवासी इसको मिलकर के एक साथ करेंगे तो हम आने वाली दीपावली को स्वस्थ दीपावली अवश्य बना पाएंगे। मैं स्विफ्ट परिवार की तरफ से सभी को आने वाली दीपावली का स्वस्थ दीपावली बनाने का आह्वान करता हूँ और आप सभी को अभी से स्वच्छ दीपावली 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस वीडियो को अपने उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपके अपने हैं। धन्यवाद।